इंक्रोचमेंट है क्या? जो अधिकारी है जिम्मेदार वो ऑर्डर दिखा रहे हैं समय के तात्कालिक, आखिर किसके ऑर्डर पर यह कार्रवाई की जा रही है? तो इंक्रोचमेंट कैसे है? सरकार का ही बनाया हुआ ना, ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर दोनों खराब हो गए। इतने व्यवसायी हैं पूरे पटना शहर में लेकर के हर जगह जो है ये ढलवाने का काम करते हैं और इनके साथ जो है नाइंसाफी हो रही है और ना कोई इसके लिए अहम बात है कि कोई विकल्पित व्यवस्था की गई। कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बनने की व्यवस्था नहीं, ये हजारों हजार की संख्या में यहाँ दूध विक्रेता आते हैं, आखिर वो कहाँ जाएंगे? अपने बाल बच्चों का जो गरीब अपना जो पेट पालने के लिए जो व्यवसाय करता है वो आखिर जाएगा कहाँ? इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और आपके सामने ये मंदिर टूट रहा है, मछली मार्केट तोड़ा जा रहा है, रैन बसेरा तोड़ा जा रहा है, मूर्ति तोड़ा जा रहा है, सरकारी भवनों का जो निर्माण हुआ था विक्रेताओं के लिए वो तोड़ा जा रहा है, आम नागरिकों के लिए जो सुविधा के लिए जो था लगभग करोड़ों करोड़ों की संपत्ति को नष्ट कर दिया गया है। ये जब कुछ लोग हमारे पास हैं तो हमने सोचा कि जाकर के चीज़ों को समझेंगे कि आखिर कारण क्या है, लेकिन अभी तक हमको कोई भी परमिशन का कॉपी उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिनका भी डिप्लॉयमेंट यहाँ एग्जीक्यूटिव का जो किया गया है कोई भी कॉपी नहीं उपलब्ध। सरकार मछली मार्केट से लेकर सब कुछ आप देखिए, ये निकम्मी सरकार गरीब विरोधी किसान विरोधी, गरीबों से कुछ लेना देना नहीं है, कोई जवाबदेही इनकी नहीं बन रही है, आखिर कर क्या रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। ये गुंडा राज हो गया है कायम, बिहार में अपराध बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, ये सिर्फ अमीरों को देखना चाहते हैं, गरीबों को नहीं देखना चाहते। तो हम और हमारी पार्टी, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं, गरीब के अधिकार के लिए उनको अधिकार दिलाने के लिए खून बहाना हो हम अपना देना हो तो हम लोग बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने दे। वो लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात, स्मार्ट सिटी